दोस्तों, अगर आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और आप एक कामयाब इंसान बनना चाहते हैं और अपने दिल में कामयाब होने का जुनून रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जब पेड़ पर ज़रूरत से ज़्यादा फल लग जाते हैं तो उसकी टहनियाँ टूटने लग जाती है। ठीक वैसे ही इंसान को जब उसके औकात से ज़्यादा मिल जाते हैं तो वो रिश्तों को तोड़ना शुरू कर देता है। इसलिए अगर इस दुनिया में आपकी इज्जत बनानी है तो सिर्फ शब्दों को जानना और पहचानना काफ़ी नहीं है, बल्कि उनका सही इस्तेमाल करना भी आना चाहिए। दोस्तों, सुनना सीख लो सहना सीख जाओगे, और सहना सीख लो तो रहना सीख जाओगे। दोस्तों, ये बातें किसी ज़माने में अच्छी लगा करती थी, लेकिन आज के ज़माने में आपको कामयाब होना है तो केवल काम की बातें सुनना सीखो, केवल अपनी तकलीफ़ों को सहना सीखो, और ना खुद किसी का बुरा करो और ना किसी को तुम्हारा नुकसान करने दो। दोस्तों, यह बिल्कुल सत्य है कि ईश्वर ना तो किसी को दंड देता है और ना ही किसी को माफ करता है। यह कर्मों का फल है जो आपके सुख दुख का कारण बनता है। हमारा कर्म वो आईना है जो हमारा असली चेहरा हमें दिखा देता है। लेकिन इंसान भी अजीब है, जब रिश्तों से दिल भर जाता है तब वह सब बातें और इल्ज़ाम इकट्ठा करना शुरू कर देता है। इसलिए जिस दिन आप अपने हंसी के मालिक खुद बन जाओगे उस दिन आपको कोई रुला नहीं सकता। दोस्तों, झूठ में भले ही आकर्षण हो, लेकिन स्थिरता तो सत्य में होती है। शब्दों का वजन बोलने वाले पर निर्भर करती है। कोई शब्द मंत्र बन जाता है और कोई शब्द गाली बन जाता है। इसलिए हमेशा सच बोले, भले ही कड़वा हो, सच बोलना आपको कभी नुकसान नहीं देगा। दोस्तों, ये शब्द चाबी की तरह होते हैं। उनका इस्तेमाल करके कई लोगों के मुंह बंद और दिल के ताले खोले जा सकते हैं। बुरा समय में दिलासा देने वाला अजनबी ही क्यों ना हो, दिल में उतर जाता है। बुरे समय में किनारा करने वाला अपना ही क्यों ना हो, दिल से उतर जाता है। इसलिए किसी की मदद करने से पीछे मत हटना, क्योंकि दुनिया में प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं और दूसरों की भलाई करने से बड़ा कोई कर्म नहीं। अगर अच्छी नीयत से काम करोगे तो सफलता जरूर मिलेगी। अच्छी नीयत से तिनके इकट्ठा करोगे तो घोंसला बनेगा, और बुरी नीयत से इकट्ठा किए गए तिनके आपको झाड़ू के अलावा कुछ नहीं दे सकते। कर्म करने की हिम्मत और सुधार करने की नीयत हो तो इंसान बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि हमारे गुणों और कर्मों से मिली सफलता ही सच्ची सफलता होती है। तूफान जिंदगी में केवल अस्त व्यस्त करने नहीं आते, कुछ आपके मंजिलों के रास्ते भी साफ करने भी आते हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानी भी आए तो खुद को कभी टूटने मत दो। दोस्तों, हर चीज़ का एक सही समय और सही वक्त होता है। दुआएं कभी रद्द नहीं होती, बस बेहतरीन वक्त पर कबूल होती है। याद रखना, इंसान का सबसे अच्छा दोस्त ज़मीर होता है, जो अच्छी बातों पर शाबाशी देता है और बुरी बातों पर उसे झकझोर कर रख देता है। इसलिए यदि कोई काम करने के लिए आपके जीव आपका ज़मीर नहीं मानता तो उस काम को ना करने में ही उसकी भलाई है। दोस्तों, ये ज़िंदगी का कड़वा सच है कि ज़िंदगी हमेशा सस्ती होती है, बस गुजारने के तरीके महंगे होते हैं। इंसान उन चीज़ों से कम बीमार होता है जिन्हें वह खाता है, पर उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है जो उसे खा रही होती है। इसलिए हमेशा प्रेम की भाषा बोलिए, क्योंकि इसे गूंगे भी बोल सकते हैं और इसे बहरे भी सुन सकते हैं। दुनिया में सच्चे रिश्ते की खूबसूरती एक दूसरे की कमियां सहने में है। अगर बिना कमियों का इंसान ढूंढने निकलोगे तो हमेशा तन्हा रह जाओगे। याद रखना, ज़िंदगी दोस्तों से नापी जाती है और तरक्की दुश्मनों से। और ज़िंदगी में बड़ा कुछ काम करना है तो कुछ बड़ा हासिल करना है तो तुम्हें बड़े बड़े लोगों का विरोध भी सहना पड़ेगा। जब तुम अकेले पूरा संघर्ष करके अपनी मंजिल पा लोगे तो यही विरोध करने वाले लोग तुम्हारे कदमों में आकर झुकेंगे। आप इंसान का असली रंग तब देखते हो जब उसके किसी काम में नहीं रहते। इसलिए जितनी भी मेहनत करनी है अपने ऊपर करो, जितना भी निखरना है अपनी शख्सियत को निखारना है अपने ही दम पर निखारो। अगर आप इस बात को ध्यान में रखते हैं, सिर्फ अपने कर्म पर अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हैं तो आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर हासिल होगी, तभी सारी दुनिया आपके कदमों में झुकेगी। दोस्तों, अगर आप एक कामयाब शख्सियत बनना चाहते हैं तो अच्छे कर्म करते रहना। अच्छे कर्मों से ईश्वर खुश होता है और
आपको आपके कर्मों का फल एक ना एक दिन जरूर मिलता है।